संसद के बजट सत्र में एनसीपी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने शुक्रवार को लोकसभा में किसानों का मुद्दा उठाते हुए मोदी सरकार को घेरा। मतलब किसान को अगर पैसा नहीं मिलेगा, सब बोल रहे 6,000 रुपया। सर 6,000 रुपया उसको मिलता है हर साल, लेकिन इसका मतलब नहीं है, इट हैज नॉट डबल्ड हिज इनकम। जो प्याज के बारे में अमोल कोहले जी बोले, दूध के बारे में भी वही हाल है सर, सोयाबीन के बारे में वही हाल है। आप पैन इंडिया देख लीजिए सर, इट्स अ वेरी सीरियस इशू, इट्स एन अग्रेरियन क्राइसिस। तो अगर भाव नहीं मिलेगा उसका इनकम डबल कैसे होगा? प्याज का आप देख रहे हैं पॉलिसी यू टर्न किया है। मैं तो पीयूष जी को बोल बोल के थक गई कि प्याज का एक्सपोर्ट आप मत रोकिए। वो भी इथेनॉल ने भी यू टर्न किया, थर्सडे को बोले इथेनॉल का बहुत अच्छी पॉलिसी करेंगे, एनकरेज करेंगे, फ्राइडे को बैन कर दिया। तो फिर आप वो गन्ने का किसान का क्या होगा, उसकी कैसी घर कैसे चलेगा?